नमस्कार दोस्तों, शिवांश के गैजेट में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं नया प्रोडक्ट जो कि है सोल्डरिंग किट। आइए करते हैं इसका रिव्यू। दोस्तों, इसको लिया मैंने अमेजॉन से, अमेजन बेसिक्स का थर्मोस्टो एक ब्रांड के थ्रू ये आता है और ये लगभग 300 रुपये में मिल जाएगा। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। आइए खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये है इसमें मेन सोल्डरिंग किट, ये है लगभग 25 वाट का। बहुत ज़्यादा तो ड्यूरेबल नहीं लग रहा है क्योंकि 300 रुपये में और क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। इसको इक्का दुक्का काम करने के लिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल यूज़ के लिए तो खैर नहीं है ये। लगभग कॉर्ड इसकी जो है 1 मीटर से ज़्यादा की है, इसको अलग करते हैं। इसके अलावा ये है कटर, इसको खोल के देखते हैं। ठीक ठाक है, ड्यूरेबल है, ये स्ट्रांग स्प्रिंग है इसकी। इसके साथ में आता है सोल्डरिंग स्टैंड। तो ये है इसका सोल्डरिंग स्टैंड, इसको मैंने फिट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको टेबल वगैरह में भी लगा सकते हैं, मतलब फिक्स कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है फिलहाल, क्योंकि ये तो मान ली खाली रिव्यू के लिए है। और इसमें आपको ये ऐसे रख देंगे और इसके साथ में ये एक चिमटी है यूँ ऐसे पकड़ने के लिए। ये सोल्डरिंग वायर है, 25 ग्राम है शायद ये सोल्डरिंग सोल्यूशन इसके अंदर। इसको लगाने के बाद ही आपकी जो सोल्डरिंग है वो मजबूत होती है, ये ज़रूरी चीज़ है। और दोस्तों, ये है डिसोल्डरिंग विक। सिंपल से क्या है कि ये कॉपर का वायर है, इस पर कुछ थोड़ा सा केमिकल लगा रहता है और जब भी आपको सोल्डरिंग हटानी है कहीं की तो इसका वहाँ यहाँ उपयोग करते हैं। अब बस वहाँ पे आप इसको रखेंगे और वो निकल जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे पास पे अडाप्टर है जूक थंडर का, जिसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ था, उसका मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये निकल गया है। अगर आप जूम करके देखें तो हम इसको यहाँ पे जो पीसीबी बोर्ड है यहाँ इसको सोल्ड करेंगे। तो देखिए, इसको सबसे पहले तो हम इसकी डिसोल्डरिंग करेंगे क्योंकि इसमें इसकी छेद में हम इस तार को डालना है। तो डिसोल्डरिंग के लिए सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ये सोल्डरिंग फ्लक्स है वो लगा लेते हैं। सावधानी से करिएगा क्योंकि मैं भी आपके लिए पहली बार कर रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी निकल गया है, काफ़ी हद तक इड सोल्डरिंग किट में ये चिपक गया है। तो ये आप देख रहे हैं पूरी तरीके से ये छेद, पूरी तरीके से छेद खाली हो गया है। ये है डिसोल्डरिंग किट का कमाल। अब हम क्या करेंगे कि जो ये वायर है, इस वायर का थोड़ा सा हिस्सा हम आगे से इस प्लास की मदद से, कटर की मदद से निकाल लेंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, कभी मैं आपके लिए बन जाता हूँ पेंटर, कभी बन जाता हूँ बार्बर, और कभी बन जाता हूँ शेफ, और आज बन गया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिशियन। ये सिर्फ आपका प्यार है। तो जो कुछ मैं इतना कर रहा हूँ आपके लिए, और आपसे अगर मैं कहूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तो ये तो मेरा राइट है, इतना आप करेंगे। और ये हमने इसमें डाल दिया है। और ये देखिए सोल्डरिंग हो गई 2 मिनट में। तो दोस्तों देखिए, हो गई है शोल्डरिंग। हालांकि मुझे भी काफ़ी मेहनत लगी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन छोटी मोटी चीज़ों को आप आराम से इसको शोल्डर कर सकते हैं। ब्रॉयडर्ड की आप इसको थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करें, ये गर्म हो जाता है। अब हम इसको देखते हैं ये काम कर रहा नहीं कर रहा है। और ये देखिए हमारी सफलता, ये हमने लगा दिया है एडाप्टर और यहाँ पे ये चार्ज कर रहा है। और हो जाए कुछ गाना इसी के साथ में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बन जाइए तुरंत सब्सक्राइबर, और अपने दोस्तों में करिए ये वीडियो शेयर, क्योंकि हम आपके लिए कभी बनते हैं कारपेंटर तो कभी पेंटर, कभी शेफ और कभी सिंगर।